नमस्कार दोस्तों, A3 इंडी में आपका स्वागत है। मेरे पास है गैलेक्सी J7 मैक्स और J7 2016 डिस्प्ले कंपैरिजन के लिए। J7 मैक्स के साथ आपको मिलता है 5.7 इंच का फुल HD TFT डिस्प्ले जिसका PPI है 386, तो वहीं J7 2016 के साथ आपको मिलता है 5.5 इंच का HD सुपर AMOLED डिस्प्ले जिसका PPI है 267। तो जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन है उसमें J7 मैक्स का डिस्प्ले बेटर है क्योंकि फुल HD भी है और साइज भी बड़ा है और PPI भी हाई है। क्वालिटी में कौन सा डिस्प्ले बेटर है वो देखेंगे इस वीडियो में। और एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये केवल J7 मैक्स और J7 2016 की डिस्प्ले का कंपैरिजन है, सुपर AMOLED और TFT का नहीं है, क्योंकि उसके लिए दो सेम डिस्प्ले मेरे पास होने चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्प्ले कंपैरिजन। तो शुरुआत करते हैं ब्राइटनेस से, और यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही डिवाइस आउटडोर मोड पर हैं यानी कि फुल ब्राइटनेस पर हैं, और यहाँ सुपर AMOLED कम्प्लीटली TFT को बीट करता है, यानी कि जो ब्राइटनेस है वो सुपर AMOLED में आपको ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू TFT। सुपर AMOLED भी कौन सा, J7 2016 का, और TFT कौन सा, J7 मैक्स का। यहाँ कलर कंपैरिजन की बात करें, जो कलर्स हैं वो सुपर AMOLED में ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं, तो वहीं TFT में उतने ब्राइट नहीं है, लेकिन जो TFT के कलर हैं यानी कि J7 मैक्स में जो कलर हैं वो नेचुरल कलर हैं, उभरे हुए नहीं हैं, जबकि जो सुपर AMOLED में कलर आपको नज़र आते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों को पसंद आएँ, जबकि TFT में जो कलर आते हैं यानी J7 मैक्स में जो कलर आपको नज़र आएंगे वो नेचुरल होंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है। तो ये एक J7 मैक्स से कैप्चर किया गया फोटो है, और कलर कितने चेंज होते हैं दोनों डिस्प्ले में वो आप यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल कम्प्लीटली कलर चेंज हो चुके हैं सुपर AMOLED में, जो कलर हैं वो थोड़े लाल, थोड़ा सा रेडनेस यहाँ आप सुपर AMOLED में देख सकते हैं, तो वहीं TFT यानी कि जो J7 मैक्स है उसमें बिल्कुल 100% नेचुरल कलर नज़र आएंगे। हालाँकि देखने में जो मेरा J7 2016 है उसका पिक्चर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी होती है, वाइट आपको बिल्कुल वाइट नज़र आएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लैक बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आएगा जैसा TFT में नहीं होता। TFT में जो आपको कलर होगा सेम वही नेचुरल कलर आपको नज़र आएगा। बात करें अगर व्यूइंग एंगल की, तो दोनों ही डिवाइस का व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा है, दोनों ही डिवाइसों को आप किसी भी एंगल से यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 180 डिग्री पे भी दोनों डिवाइस का जो कलर है वो एकदम परफेक्ट है, किसी तरह कोई इश्यू नहीं है। बात करें आउटडोर विजिबिलिटी की, यानी धूप में आपका कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो J7 2016 उसका डिस्प्ले ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू J7 मैक्स, लेकिन J7 मैक्स को भी आप धूप में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम है J7 2016 से, लेकिन आप पिक्चर जो है वो क्लियर देख सकते हैं J7 मैक्स पे भी। तो ये था मेरा डिस्प्ले कंपैरिजन। अगर आपको नेचुरल कलर चाहिए तो आपको J7 मैक्स का डिस्प्ले पसंद आएगा यानी कि TFT डिस्प्ले पसंद आएगा, और अगर आपको उभरे हुए और अच्छे कलर चाहिए तो आपको सुपर AMOLED यानी J7 2016 का डिस्प्ले पसंद आएगा। ब्राइटनेस में J7 2016 कम्प्लीटली J7 मैक्स को बीट करता है, यानी कि जो सुपर AMOLED का ब्राइटनेस है आउटडोर में भी और इनडोर में भी दोनों में ही TFT डिस्प्ले से बेटर है। तो मुझे उम्मीद है ये रिव्यू आपको पसंद आएगा। अगला रिव्यू मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।